नमस्कार, मैं हूं मनी ब्लू एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। महाकुंभ 2021 के आयोजन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारी भरकम शर्तें लगाने के विरुद्ध प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने डमरू बजाकर विरोध कर प्रदर्शन किया। उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से जिला महामंत्री होने के कारण मैं एक प्रदर्शन रखा यहाँ पे हरिद्वार के व्यापारियों ने, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के। जो सरकार की गाइडलाइन आ रही है, जो रोज ये हम न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ रहे हैं, कोविड की जांच, 72 घंटे की जांच और आपका ये बारकोड की जांच, आज इनके दुनियाल जी का बयान आ रखा है, रोज स्टेटमेंट आ रहे हैं सरकार के नए, तो व्यापार चलेगा कहाँ से? फिर ये कुंभ मेले का ड्रामा क्यों रचा जा रहा है? ये पैसे की बर्बादी क्यों हो रही है? जब वैक्सीन आ गई है तो हरिद्वार में ही कोरोना हो रहा है, और कहीं कोरोना नहीं हो रहा। गाजी बॉर्डर पे कोरोना नहीं है, किसानों के धंधे में कोरोना नहीं है, ना वो सोशल डिस्टेंसिंग है, ना कुछ है। जब वैक्सीन आ गई तो वैक्सीन लगाओ ना, स्टेशनों पे उसके काउंटर लगाओ, बस अड्डों पर लगाओ, बॉर्डरों पर लगाओ, हरकी पैड़ी पर लगाओ काउंटर, वैक्सीन लगाओ ना श्रद्धालु के। जब श्रद्धालु नहीं आएंगे कुंभ मेले में तो फिर कुंभ मेला किस काम का? फिर ये दिखावा कहाँ का हो रहा है? जब व्यापारी नहीं चलेगा, श्रद्धालु नहीं आएंगे, हिंदुओं का बहुत बड़ा वो है, 12 साल में कुंभ मेला आता है, व्यापारियों का एक आस होती है कुंभ मेला चलेगा, हम अपना व्यापार चलाएंगे। अब व्यापार तो हरिद्वार के व्यापारियों को पहले साल भर से चौपट पड़ा है, मगर सरकार कहीं ध्यान नहीं दे रही किसी तरह से भी। कोई राहत सरकार ने नहीं दी हरिद्वार के व्यापारियों को, कोई व्यापारियों की तरह हाल नहीं जाना, किसी तरह की कोई राहत नहीं व्यापारियों को। मगर जब वैक्सीन आ गई तो ये कुंभ मेले का ड्रामा बंद करें, और हम सड़कों पर आ चुके हैं, विरोध करेंगे, मुकदमे जितने मर्जी करते हैं हमारे खिलाफ। धन्यवाद। कहना है कि केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी करी है, SOP जारी करी कुंभ मेले के लिए, वो गलत की है। आप देखिए 22 मार्च से हरिद्वार का व्यापार पूरी तरह ठप है, पूरी तरह ठप है। अब पूरी उम्मीद कुंभ मेले से व्यापारी को जगी थी कि कुंभ मेला आएगा तो अपने चूल्हे जलेंगे, कुछ काम चलेगा। इसके ऊपर भी केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके साथ ही तो यात्री आएगा ही नहीं, आएगा नहीं तो कुंभ मेला होगा नहीं, कुंभ मेला होगा नहीं जब यात्री नहीं आएगा तो दुकानें कैसे चलेंगी। 22 मार्च से व्यापारी भुखमरी के कागार पे है भाई साहब, बिल्कुल स्थिति बहुत ख़राब है, ट्रेनें बंद हैं, सब बंद है, किस तरह से आप व्यापारी अपना गुजारा करेगा? इसका हम विरोध कर रहे हैं, इसका घोर विरोध करेंगे, कर रहे हैं। आप देखिए ना, प्रशासन द्वारा मकर संक्रांति का मेला कितनी अच्छी तरह से करा दिया, संपन्न है, लाखों आदमी नहा के चले गए, तो कुंभ मेला ऐसा नहीं हो सकता क्या? इसको कराना हुआ, कोई रिपोर्ट किसी की कुछ नहीं, नहा करके चले गए। तो जिला प्रशासन ने इतना सुंदर कार्य किया इसमें, मेले में मेला बढ़िया करवा दिया, तो कुंभ मेला भी ऐसा करा सकता है शासन? तो शासन पे इस तरह के अंदर केंद्र सरकार क्यों लगा रही है? उसको बंद नहीं लगाना चाहिए, व्यापारी भूखा मर जाएगा बेटा, ये कहना है।